मराठा आरक्षण को लेकर हमने देखा कि विपक्ष द्वारा जो है अभी नाराजगी जताई गई है, क्या बताओगे? मराठा आरक्षण का विषय और सभी समाज का आरक्षण का विषय महाराष्ट्र में बहुत दिनों से चलता आ रहा है। जरांगे पाटिल ने जो आरक्षण का आंदोलन छेड़ा है, इसलिए जो सरकार ने उनको आश्वासन दिया था और 24 तारीख की जो डेट उन्होंने एक तय की थी उसके बारे में सरकार की ओर से कुछ ठोस पर्याय या उपाय दिया नहीं गया। आज के मुख्यमंत्री महोदय के भाषण के दौरान कुछ भी समाज के लिए कुछ ठोस कार्रवाई वो करेंगे या आरक्षण कैसे देंगे, कब तक देंगे, ऐसा कुछ हमें जो अपेक्षित था वो नहीं दिया गया और इसी कारण ने हमें सभात्याग किया है। अगर अगली भूमिका विपक्ष की क्या होगी मराठा आरक्षण को लेकर? अभी ये सरकार के ऊपर है कि मराठा आरक्षण देना, विपक्ष ने अपनी भूमिका तय की है। कांग्रेस पार्टी ने खास करके हमारे नेता राहुल गांधी ने भी कहा है कि देश भर में सभी जातियों का जनगणना होनी चाहिए और उसी तरीके से आगे की व्यवस्था आने वाले समय में उसको सुधारने के लिए ये केंद्र सरकार हो, हर राज्य की सरकार हो, उसको मिलकर ये सुझाव करना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे धीरज देशमुख विधायक हमारे साथ और इन्होंने जो है कहा है कि सरकार ने आज जो है मराठा आरक्षण को लेकर जो है निर्णय देना चाहिए था वो निर्णय नहीं दिया है, इसीलिए आज जो है विपक्ष द्वारा जो है सभा त्याग किया गया है। कैमरा पर्सन अजित कुमार के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।